ट्वेल्थ क्लास। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी आपका कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में, बात की थी हमने कि किस प्रकार से जो आपका होस्ट सेल है उसको प्लाज्मिड को अंदर लेने के लिए क्या बनाया जाता है, थोड़ा सा उसको आसान बनाया जाता है, उसको कैपेबल बनाया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें हमने बात की थी बेसिकली कि भाई आपका बहुत सारे टेक्निक्स हमने बात की थी, हीट शॉक मेथड का बात की थी हमने, माइक्रो इंजेक्शन की बात की, जीन गन की बात की थी हमने, ठीक है ना, और डाइवेलेंट कैटायन की बात की थी जिसमें हम कैल्शियमायन का यूज करते हैं, ठीक ना। ओके, अब जो बेसिकली पूरा फंडा जो है हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कुछ स्टेप्स होते हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे, माने कि हम लोग क्या करेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे उसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहला जो आपका स्टेप आता है उसमें आएगा आपका आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए के बाद क्या होगा, फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, फिर देन आएगा आपका आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, फिर लिगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इंटू वेक्टर, देन ट्रांसफरिंग द आर डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंटू होस्ट सेल, और लास्ट में क्या होगा, कल्चर ऑफ होस्ट सेल, ठीक है। तो पहले आज बात करेंगे, पहले हम लोग अभी बात करते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए में, यानी किस प्रकार से आपका डीएनए को आइसोलेट किया जाएगा किसी भी सेल से। देखिए, अब माने जाए ये कोई सेल है, इसके अंदर ये क्या है आपका, ये दिस इज द डीएनए, ये डीएनए है इसके अंदर, ठीक ना। अब मुझे ये डीएनए चाहिए पूरा का पूरा, अभी मैं जीन पे बात नहीं कर रहा, अभी मुझे जीन नहीं चाहिए, अभी मुझे क्या चाहिए, डीएनए चाहिए पूरा, मुझे अभी पूरा का पूरा डीएनए निकालना है यहाँ से बाहर, ठीक है। तो जब मैं वो डीएनए निकालूंगा तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, कुछ एंजाइम्स में मुझे क्या करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे बेटा, क्योंकि कोई भी जो आपकी सेल होगी उसके बाहर से क्या होगा, आपका सेल वॉल होगा, ठीक है। तो जब तक मैं सेल वॉल को ब्रेक नहीं करूंगा, सेल वॉल को डाइजेस्ट नहीं करूंगा, तब तक मैं आपका डीएनए को क्या नहीं कर सकता, यहां से निकाल नहीं सकता बाहर, ठीक है ना। तो मुझे सबसे पहले सेल वॉल को क्या करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग कि अगर हम बैक्टीरिया में बैक्टीरिया का डीएनए बाहर निकाल रहे हैं तो बैक्टीरिया का डीएनए बाहर निकालने के लिए हम लोग लाइजोजाइम्स का यूज करते हैं, ठीक है ना, LYSOZYME, ठीक है ना, लाइजोजाइम्स का यूज करते हैं हम लोग। लाइजोजाइम का यूज करने से क्या होगा, जो आपकी सेल वॉल बनी होगी बैक्टीरिया सेल में ना, वो ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक होने के बाद क्या होगा, हम आसानी से डीएनए तक क्या कर सकते हैं, हम लोग पहुंच सकते हैं। तो लाइजोजाइम मैंने बात की कहां होता है आपका, ये हम लोग बैक्टीरिया में क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट में मैं क्या करूंगा, सेलुलोज क्या से क्या होती है, प्लांट सेल वॉल बनी होती है ना, तो हम लोग प्लांट सेल में यूज करेंगे सेलुलेज एंजाइम, ठीक है ना, सेलुलेज एंजाइम को यूज करेंगे हम लोग कहां, प्लांट सेल में। यानी कि अगर प्लांट सेल की सेल वॉल को डाइजेस्ट करना है तो सेलुलेज एंजाइम का क्या करना पड़ेगा, हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मुझे कोई फंगस है उसकी सेल वॉल को ब्रेक करना है तो मुझे काइटिनेज एंजाइम यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, काइटिनेज एंजाइम का यूज करना पड़ेगा मुझे क्या निकालने के लिए, फंगस निकालने के लिए, या जो फंगस की जो सेल वॉल है उसको ब्रेक करने के मुझे काइटिनेज एंजाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि काइटिन की बनी होती है उसकी फंगस, ठीक है ना। सेलुलोज की सेल वॉल बनी हुई तो सेलुलेज एंजाइम यूज किया, काइटिन की बनी हुई है तो काइटिनेज यूज किया, ठीक है। और लाइजोजाइम जो होता है आपका, तो इसको हम बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं क्या निकला, बेसिकली मेरे पास तुम्हारा बैक्टीरिया निकल, वो सॉरी डीएनए वहां से निकल गया, ठीक है ना। अब जब डीएनए वहां से निकल गया है मेरा, तो डीएनए के साथ बहुत सारी चीजें क्या है, मिक्सअप है भाई, उसमें आपके क्या क्या मिले हुए हैं, आपके प्रोटीन मिला हुआ है उसमें, डीएनए में मिक्सअप नहीं है, डीएनए के आसपास प्रोटीन होगा ना, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होगा, वहां पे आपके कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, वहां पे आपका बेसिकली लिपिड भी होगा आपका वहां पे, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आपका वहां पे क्या हो सकता है, आरएनए भी वहां पे क्या होगा, मौजूद होगा। तो ना आपको प्रोटीन चाहिए, ना आपको लिपिड चाहिए, ना आपको आरएनए चाहिए, आपको इन तीनों में से कुछ चीज नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, ओनली आपको यहाँ पे मुझे आपको डीएनए चाहिए, ठीक है ना। तो जब मुझे डीएनए चाहिए, तो जब मैं प्रोटीन को अगर डाइजेस्ट करना हो मुझे, यानी कि अगर डीएनए के आसपास जितना भी प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करना है, तो प्रोटीएज एंजाइम को यूज करूंगा मैं, ठीक है ना। कौन सा एंजाइम यूज करूंगा, प्रोटीएज एंजाइम को क्या करूंगा मैं, यूज करूंगा, ठीक है ना। तो प्रोटीएज एंजाइम यूज किया, अगर लिपिड को मुझे डाइजेस्ट करना है तो लाइपेज एंजाइम को यूज करूंगा, ठीक है ना। और अगर मुझे आरएनए, जो उसके आसपास आरएनए होगा, उसको डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट का मतलब होता पूरा वहां पर से उसको हटा देना, ठीक है ना, उसको नष्ट कर देना, तो यहाँ पे राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम को क्या करूंगा मैं, यूज करूंगा। सीधे सीधे आप लोग राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम की जगह पे आरएनएज भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आरएनएज एंजाइम को क्या करूंगा मैं, यूज करूंगा, तो या तो प्रोटीएज एंजाइम का यूज करूंगा, या तो लाइपेज एंजाइम का यूज करूंगा, तो क्या होगा, आपका लिपिड खत्म हो जाएगा। आरएनएज का यूज करूंगा, आरएनए खत्म हो जाएगा। प्रोटीएज का यूज करूंगा, तो प्रोटीन खत्म हो जाएगा। अब फाइनली मुझे क्या मिलेगा आपका, यहाँ पे डीएनए मुझे मिलेगा,
ठीक ना। अब क्या होगा कि ये डीएनए जब मैं निकालूंगा तो इस डीएनए को निकालने का भी क्या होगा, एक तरीका होगा। यानी कि ऐसे नहीं कि हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, डीएनए को सीधे वहां पर से क्या कर दिया, निकाल दिया, नहीं। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे, ठीक है, जैसे मैंने आपका डीएनए निकाला तो इस डीएनए में मैं क्या कर दूंगा बेटा, एक ऐसे भाई आपकी क्या होगी, एक ट्यूब होगी, उसमें आपका डीएनए होगा, इस प्रकार से आपका डीएनए यहां अंदर होगा, ठीक है ना। तो मैं इस डीएनए में क्या करूंगा, चिल्ड, ठीक है ना, चिल्ड इथेनॉल को क्या कर दूंगा, उसमें मिक्स कर दूंगा। और जैसे ही मैं आपका इसमें चिल्ड इथेनॉल को यूज करूंगा डीएनए के साथ, तो ये प्रिसिपिटेशन इसका बन जाएगा, ठीक है ना, एक प्रकार से इसका क्या बन जाएगा, प्रिसिपिटेशन इसका क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक ना, इसका प्रिसिपिटेशन हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है एक प्रकार का हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे थक्का मिल जाएगा हमको, ठीक ना, इसका हमको क्या मिल जाएगा, थक्का मिल जाएगा डीएनए का। यानी कि जब मैंने डीएनए को निकाला तो डीएनए से मैंने चिल्ड इथेनॉल उसमें मिलाया, और चिल्ड इथेनॉल मिलाने के बाद मुझे क्या मिला, प्रिसिपिटेशन मिला, और प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या हुआ, मुझे थक्का मिला इसका, ठीक ना। अब देखो, अब क्या होता है, एक यहाँ पे टर्म आता है बेसिकली स्पूलिंग करना, ठीक ना, एस पी ओ ओ एल आई एन जी, ठीक ना, स्पूलिंग करना, ठीक है ना। देखो अभी आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, वहां पे आपको एक उसमें व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ दिखाई दे रहा होगा बीच में, बेसिकली वो डीएनए में क्या मिला हुआ है, इथेनॉल मिला हुआ है, ठीक है ना। तो चिल्ड इथेनॉल हमने मिलाया तो उस प्रकार का क्या मिल गया आपका, व्हाइट व्हाइट कलर उसने क्या कर दिया, प्रिसिपिटेशन उसने दे दिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखो वापिस, जैसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टिक डालेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए आपका, जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या थी, ट्यूब थी, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका प्रिसिपिटेशन मिला था, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक स्टिक डालूंगा, ठीक है, नीचे, ठीक है ना। और जैसे ही मैंने स्टिक लिया और स्टिक से मैं इसको खींचूंगा, तो जैसे मैं स्टिक से इसको खींचूंगा, दैट इज नोन एज द स्पूलिंग करना, ठीक है ना। यानी कि स्पूलिंग क्या होती है, जब मैं स्टिक से उस डीएनए को ऊपर खींचूंगा तो दैट इज नोन एज द स्पूलिंग करना, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पूलिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपका डीएनए क्या मिल गया, आपको मिल गया। अब क्या होगा इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, देखो, तो इसके बाद होगा आपका फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, यानी कि इस डीएनए को क्या करेंगे, हम फ्रेगमेंटेशन करेंगे इसका, ठीक है, बहुत सारे टुकड़ों में क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। तो कौन सा एंजाइम यूज करते हैं बताओ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का एंजाइम का यूज करते हैं, ठीक है ना। और कौन से सीक्वेंस पे वो कट मारता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे, ठीक है ना। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे जब भी आपका हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे तो वो डीएनए में, इस डीएनए में जो जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होंगे उस पे वो क्या मारेगा, कट मारेगा। अब देखो, अब आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट, अब क्या करेंगे, जो आपका हमने कट मारे थे बहुत सारे, उस कट डीएनए में कहीं ना कहीं आपका डिजायर डीएनए होगा। जैसे मान लीजिए आपने पहले तो आपने पूरा का पूरा डीएनए निकाला ना, जब पूरा का पूरा डीएनए निकाला फिर क्या हुआ, इस पे आपने कट मार दिए तो ये बहुत सारे टुकड़ों में क्या हो गया, ये कट गया। अब आपको पर्टिकुलर वो आपको जीन चाहिए, वो डिजायर डीएनए चाहिए, तो जैसे मान लीजिए डिजायर डीएनए ये है, ठीक है ना। तो इसको क्या करें आप लोग, इसको आइसोलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, इसका भी आइसोलेशन कर रहे हैं। तो बताओ कौन सी प्रोसेस थी वो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है ना। तो यहां पे कौन सी प्रोसेस है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हमने क्या की थी, यहां पे प्रोसेस की थी। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या था, आपका डीएनए नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ गया था, और तब हमने क्या किया था, एक प्रोसेस वहां पे मैंने बताया था आपको, इल्यूजन करना। यानी कि जब आपका आप लोग जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जब वो जेल से आप डीएनए फ्रेगमेंट उसको निकालते ना आप लोग, दैट इज नोन एज द इल्यूजन प्रोसेस, ठीक है ना। तो उस प्रोसेस के थ्रू क्या निकालेंगे आप लोग, जो डिजायर डीएनए था फ्रेगमेंट उसको आप क्या कर दोगे, निकाल दोगे। अब उस डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट को क्या करोगे, उसको आप लोग कहां डाल दोगे, प्लाज्मिड में डाल दोगे, ठीक है ना। तो जैसे ये आपका प्लाज्मिड था और आपका डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट कोई ये था, तो आपने इसको क्या कर लिया, यहां पे ऐड कर लिया। तो लिगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर, व्हिच एंजाइम बताओ, डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है आपका, इसकी मदद से हमने क्या किया, इसको उसमें जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, ट्रांसफरिंग द आर डीएनए इनटू द होस्ट सेल, यानी कि इस प्लाज्मिड को, जो आपका ये प्लाज्मिड है, अब वो कोई भी प्लाज्मिड हो सकता है, इसको हम कहां डालेंगे, होस्ट सेल के अंदर डालेंगे, ठीक है ना। होस्ट सेल मतलब जहां से हमने प्लाज्मिड लिया हुआ था, ठीक है। मान लीजिए हमने ई कोलाई वेक्टर के अंदर डाला, ठीक है, तो ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे हमने पढ़ दिया ना, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं आपका, हम लोग जीन गन के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना। हम आप डाइवलेंट कैल्शियम आयन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना।
और लास्ट में जब हमको जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जो डिजायर डीएनए आपका पहुंच चुका है, अब इसका कल्चर हम आगे करेंगे। क्योंकि माने जाए कि हमने डिजायर डीएनए में इंसुलिन वाला क्या डाला था, हमने हार्मोन डाला का, वो इंसुलिन वाला हमने जीन डाला था, तो ये अब बैक्टीरिया का निकालेगा, आपका इंसुलिन निकालेगा। तो लगातार क्या होगा बेटा, ये प्रोसेस चलती रहेगी और हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आपका आरडीटी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे एक स्टेप आता है आपका पीसीआर वाला, ठीक ना, पीसीआर डीएनए एम्प्लीफिकेशन करना। अब ये डीएनए एम्प्लीफिकेशन क्यों करेंगे हम लोग, तो एक बात जान लो भाई, जब ये डीएनए आपने लिया, ठीक ना, इस डीएनए में आपने कट मारा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट मार दिया आपने, ठीक ना। अब आपका मान लीजिए ये डीएनए, ये डिजायर जीन आपको चाहिए था, ठीक है, तो आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या किया, इसको ले लिया। अब भाई आपके पास एक ही जीन है ये वाला, ठीक है, इस जीन के आपको क्या चाहिए, मल्टीपल कॉपी चाहिए, क्योंकि एक ही जीन से काम तो नहीं बनेगा ना। इस जीन को मैं एक ही प्लाज्मिड के अंदर डालूंगा, लेकिन मुझे तो बहुत सारे बैक्टीरिया तैयार करने, बहुत सारे प्लाज्मिड के अंदर मुझे क्या करना है, इसको फिर डालना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, पीसीआर मशीन का यूज करूंगा, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन की मदद से क्या होगा, इस डीएनए की यानी कि इस जीन की मेरे पास बहुत सारी क्या बन जाएंगी, कॉपी बन जाएंगी। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, इस डीएनए की जो हमको ये डीएनए मिला था, इसकी भी हम बहुत सारी कॉपी क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ठीक ना। तो किसी भी डीएनए की मल्टीपल कॉपीज तैयार करने के लिए एक हमारे पास एक टेक्निक होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीसीआर मशीन बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो हम कल इसके बारे में पढ़ेंगे, पीसीआर मशीन के बारे में पूरा का पूरा हम डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से पीसीआर मशीन क्या करेगा, आपका काम करेगा, ओके। तो पूरा इस वीडियो को कंप्लीट मतलब कि इसको समझिए, इसमें अगर कोई क्वेरीज होती है आपकी तो जरूर मुझे इसमें इन्फॉर्म कीजिए कि सर हमको यहाँ पर समझ में आया, तो मैं इसका जरूर क्या करूँगा, इसका सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल के टॉपिक के साथ, पीसीआर मशीन, ओके, थैंक यू।